पंजाब नेशनल बैंक घोटाले को लेकर बीजेपी के विरोधी तो निशाना साध ही रहे हैं कि अब अपनों ने भी उसे निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। पहले सहयोगी पार्टी शिवसेना बीजेपी पर जमकर बरसी, वहीं अब बागी तेवर अपनाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पार्टी पर ताबड़तोड़ वार किए। उन्होंने तो चौकीदार वाले बयान को लेकर ही पीएम पर ट्वीट वार किए। नीरव मोदी ने 11,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर बैंकिंग सिस्टम को तो बेईमान बनाया ही, साथ ही इस देश से भागकर बीजेपी को भी बदनाम कर दिया। कांग्रेस से लेकर सीपीएम और आप तक सभी पार्टियां खुद को भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी बताने वाली बीजेपी के दामन पर भ्रष्टाचार के दाग लगा रही हैं। साथ ही खुद को देश का चौकीदार बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रही हैं। चौकीदार के होते हुए भी मोदी देश को चूना कैसे लगा गया? आखिर घपलेबाज नीरव करोड़ों कैसे डकार गया? विपक्ष के साथ साथ अब तो बीजेपी के बागी भी चौकीदार के चक्कर को लेकर अपनी ही पार्टी को लपेटे मिले रहे हैं। बीजेपी के शत्रु बने पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने विरोधियों के सुर में सुर मिलाते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार वाले बयान की याद दिलाते हुए ट्विटर पर लिखा कि बड़ा चौकीदार सो गया, छोटा दमदार खो गया और हम सब देखते रह गए। पीएम मोदी पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाले शत्रुघ्न ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर वार किए हैं। उन्होंने लिखा कि हे प्रधान सेवक, हे प्रधान रक्षक, चौकीदार ए वतन, सभी धोखेबाज दिन दहाड़े फ्रॉड कर विदेश भाग गए। क्या हम नेहरू को ब्लेम कर सकते हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयरलाइंस को लाइसेंस दिया? तीसरे ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी के कैशलेस इकोनॉमी पर निशाना साधते हुए लोगों से कहा कि चौकीदार ये वतन के कैशलेस को ऐसे तो न लें, आगे अभी और लोग सामने आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता में आने के लिए खुद को देश का चौकीदार बताया था तो ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन इस चौकीदार के चक्कर में वो खुद फंस जाएंगे, घोटाले से ज्यादा चौकीदार को लेकर विरोधी के साथ साथ अपने ही हमलावर बन जाएंगे।